हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ तपड़िया का डिजिटल टेस्टर का आपको अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूं दोस्तों में आप सारा काम कर सकते हैं और ये काम कैसे करेंगे ये सारा कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों मैंने इसको कहां से किया कितने प्राइस में परचेस किया यह सब चीज का सारा डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो स्टार्ट वी करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब

टी एन एटी टू इसका मॉडल नंबर आपको देखने को मिल जाता है वहीं इसकी बैक साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें आप थ्री टाइप का वर्क कर सकते हैं एक तो कहीं कभी का भी वायर का ब्रेक पॉइंट को पता कर सकते हैं दूसरा आप इसको टेस्टर जैसे यूज कर सकते हैं कि कौन सा फेस है कौन सा न्यूट्रल है ये पता लगा सकते और जो तीसरा चीज है वो चेक कर सकते हैं आप इसमें वोल्टेज की आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा है उसका लेवल को भी आप इससे चेक कर सकते हैं और इसमें आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाता है कि इसको आपको कैसे यूज करना है सारा कुछ मैं आपको लाइव करके बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है और देखिए इसमें आपको मैन्युफेक्चर बाय तपरिया टूल्स एंड प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ मिल जाता है एलटीडी ठीक है फॉर एनी कम्प्लेन एंड सजेशन आपको कस्टमर केयर नंबर मिल जाता है ईमेल एड्रेस दिया गया है और सारा कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाता है और जो इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ आपको मिल जाता है वन थर्टी फाइव रुपीज़ इसका एम दिया गया है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मैंने इसको कितने कम प्राइस में परचेज किया था और कहाँ से और कैसे परचेज किया था तो चलिए अब हम करते हैं इसका अनबॉक्सिंग इस स्टार्ट तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ मैं इसको ऐसे निकाल देता हूँ

दिया गया है और यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं लैंप इंडिकेशन का आपको बटन दिया गया है जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे तो अगर फेस होगा तो यहाँ पे लैंप जलता है तो आपको कुछ इस प्रकार का आपको इस आपको इसमें सारा चीज मिल जाता है जैसे कि मीटर लाइट वगैरह सब कुछ अब मैं आपको इसको यूज कैसे करना है वो बताता हूँ सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइएगा जरूर और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये टेस्टर कैसे लगा तो चलिए मैं अब आप आपको इसको कैसे यूज किया जाता है वो बताता हूं जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने जंक्शन बॉक्स को लाके रख दिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं तो ये देखिए ये है हमारा जंक्शन बॉक्स ठीक है अब हमको कौन सा फेस है कौन सा न्यूट्रल है वो चेक करना है तो सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ जो कि नॉर्मल टेस्टर का वर्क रहता है तो आप देख सकते हैं इसमें आपको लाइट जल रहा होगा तो ये फेस है नॉर्मल सी बात है ये फेस है और ये न्यूट्रल है आप देख सकते हैं तो पहला काम आपका ये हो गया अब दूसरा काम मैं आपको बताता हूँ दूसरा काम क्या बताना है कि इसका वोल्टेज कितना है हमारे घर पे अभी वोल्टेज कितना आ रहा है वो चेक करना है तो अब मैं आपको वो चेक करके बताता हूँ आपको ऐसे डालना है और आपको यहाँ पर ये वाले बटन पर ये वाला पे आपको क्लिक कर देना है तो आप देख सकते हैं अभी वोल्टेज आ रहा है वन टेन आ रहा है अभी 220 वोल्ट नहीं आ रहा है मेरे घर पे अभी 110 वोल्ट आ रहा है अगर आपके घर पे 110 वोल्ट आ रहा है तो उसमें 12 36 पचपन 110 सारा कुछ आ जाएगा जैसे अगर 220 आ रहा होगा तो उसमें आपको 110 220 सारा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा ठीक है ना जैसे कि 110 लिखा हुआ आ रहा है तो 55, 36, 12 ये सब उसमें डिफॉल्ट आ जाता है जितना हाई वैल्यू रहता है उसका जितना भी लोअर वैल्यू रहेगा वो सारा कुछ आपको दिखाई देगा अब मैं आपको बताता हूं इसके तीसरे और मेन फीचर के बारे में जो कि ये टेस्टर को काफी स्पेशल बना देता है जैसे कि आपका काफी लंबा वायर है उसमें आपको ब्रेक पॉइंट ढूंढना है, वो एक जगह से कट जाता है तो इसमें आप काफी आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ ये कौन सा वायर न्यूट्रल है और कौन सा वायर फेस है वो भी आप इसमें आसानी से चेक कर सकते हैं बिना इसके अंदर डाले ट्रेफ्टर को अब मैं आपको वो दिखाता हूं कैसे अब देखिए मैं इसको इस पर टच करता हूं पहले करता हूं ग्रीन वायर पे टच Osionfish. तो देखिए डिस्प्ले में कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है आप देख सकते हैं और वहीं मैं ब्लैक वायर को टच करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको इंडिकेशन दे रहा होगा आपको देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो लोगो होता है उस प्रकार का आपको देखिए अब मैं हटा दिया अब देखिए ब्लैक वायर में फिर टच कर दिया तो देखिए इसमें करेंट फ्लो हो रहा है और ये फेस वायर है इसमें बता रहा है आप देख सकते हैं मैं दोनों वायर को आपको अलग कर देता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे समझ आ सके तो ये देखिए दोनों वायर अलग हो गया ठीक है मैं इस पर पहले चेक करता हूँ ये देखिए तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पूरा खाली है और वहीं मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें आपको करेंट का कर लोगो आपको दिखाई देता होगा तो ये टेस्टर से आप ये सारा काम कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आप ब्रेक पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं काफ़ी आसानी से तो दोस्तों ये जो टेस्टर है डिजिटल टेस्टर टपड़िया की तरफ से आता है काफ़ी यूजफुल टेस्टर है दोस्तों जिस हिसाब से इसका प्राइस है हमारे घर में छोटा मोटा काम होते रहता है उसके लिए काफ़ी बेस्ट और यूजफुल टेस्टर है जो कि टपड़िया की तपड़िया तरफ से आता है ये डिजिटल टेस्टर अब हम बात करते हैं कि मैंने इस टेस्टर को कहां से परचेस किया और कितने प्राइस में परचेस किया तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने इसको परचेस किया है अमेजॉन से और ये मेरे को मिला है वन हंड्रेड टेन रुपीज में मैंने इसको परचेस किया ये आपको फ्लिपकार्ट में भी मिलेगा अमेजोन में भी मिलेगा इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है यानी कि एम आर पी वन थर्टी फाइव रुपीज़ इसका प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है मैंने इसको वन हंड्रेड टेन रुपीज से अमेजॉन से परचेस किया और ये आपको फ्लिपकार्ट में भी वही रेट में मिल जाएगा अगर आपको ये टेस्टर लेना होगा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस टेस्टर को परचेस कर सकते हैं है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था आप बताइएगा जरूर कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का रोजाना लाते रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर